करो, मैं मोदी जी से विनती करता हूँ, बंद करो इन्हें। कतई यार भेंचोद, क्या पाप किया था यार मैंने। अबे टोनी खक्कर, कब सुधरेगा भाई तू। अबे इतना ढीठ तो मेरा जियो का इंटरनेट नहीं जितना ढीठ तू है। इतने सालों से हम लोग सब लोग ऐसे बालों को नोच नोच के तुझे बोल रहे कि भाई ढंग का गाना बना दे, और तूने फिर से बना दिया। काटा लगा, काटा लगा। अबे चाटा लगाऊंगा तेरे को मैं। इससे वाहियत गाना मैंने जिंदगी में कभी आज तक नहीं सुना, और अगर मैं आगे सुनूंगा भी तो मुझे लग रहा है कि टोनी खक्कर ही बनाएगा वो गाना। अबे टोनी भाई तेरा तो फिर भी हम लोग समझते हैं यार, मगर हनी सिंह को भी लेके आ गया यार तू इस गाने के अंदर। यार हनी पाजी, आप तो बहुत ही बढ़िया सॉन्ग्स बनाया करते थे अपने टाइम पे, आपने तो मतलब स्पीकरों को ऐसे फोड़ दिया था 2G के टाइम पे। अब क्या हो गया, अब आप इतने अजीब गाने क्यों बना रहे हो, क्या हो गया आप? यो देखो यार, सीन ऐसा है कि मैं ना अपने टाइम पे ना बहुत ही बढ़िया सॉन्ग्स बनाया करता था, बिल्कुल ही बैंगर। तो मुझे ना एक दिन ख्याल आया कि यार अगर मैं इतने सारे अच्छे गाने बना दूंगा तो मैं तो बिल्कुल ही भगवान बन जाऊंगा। इसलिए यार मुझे ना गंदे गाने बनाने थे, इसलिए मैंने ना धीरे धीरे गंदे गाने बनाने शुरू कर दिए। मैंने मकना बनाया, मैंने ये सयाजी बनाया। सयाजी इतना घटिया सॉन्ग है ना मेरा कि तुम लोग डिकोड नहीं कर पाओगे कि भाई पापी पापी का मतलब क्या होता है, बिकॉज मैंने बनाया इतना घटिया गाना है। ये मत देखो यार, और अगर आपके कोई दुश्मन होंगे ना यार, और उनको ये मूवी दिखाओ यार। मगर फिर भी है ना मुझे वो किक नहीं मिला इन सारे गानों से। इसलिए मैंने अपने मैनेजर को बोला कि यार तू कांटेक्ट कर, तू किसी बहुत ही घटिया क्रिंज आर्टिस्ट को कांटेक्ट कर, मैं उसके साथ कोलाब करेगा। एक्चुअली उस दिन कुछ रात के 10:30 समथिंग बज रहे थे और मुझे हनी पाजी का कॉल आता है। हनी पाजी बोलते कि यार मुझे गॉड कॉम्प्लेक्स बहुत फील हो रहा है। आई एम लाइक, ये तो बहुत ही नोबल्टी वाला काम है, इसके लिए तो मुझे हनी पाजी की हेल्प करनी चाहिए। एंड देन मैंने उनको दो बड़े नाम दिए, ढिंचक पूजा, ओम प्रकाश मिश्रा, और मैंने दोनों नाम उनको दिए। मगर हनी पाजी के दिमाग में कुछ और चल रहा था, उन्होंने बोला कि मैं टोनी खक्कर के साथ कोलाब करूं। टोनी खक्कर ब्रो, वन ऑफ द क्रिंजेस्ट। जब टोनी खक्कर ने मुझे अपने गाने का लिरिक्स सुनाया, कहा कि भाई टोनी खक्कर का गाना सुनने के बाद लड़की सोई ना, खड़के कानों पे नाचे लड़की जरा भी सोई ना। तुमको लग रहा है कि इसके गाने सुनने के बाद लड़की ऑल नाइट डांस करेगी? नो ब्रो, इसका मतलब ये है कि टोनी खक्कर का गाना सुनने के बाद शी इज डेड, शी इज नॉट अलाइव ब्रो। देख रो किस लेवल का क्रिंजी आर्टिस्ट है ये। मैं इसके साथ गाना बनाएगा और मैंने कांटा लगा बना दिया। अरे लिरिक्स सुनो तुम लोग इस गाने की एक बार। रानी मेरे महल के पीछे 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 पीछे, हाजी मेरे मेरे बगीचे नीचे 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 हूँ, कांटा लगा उई मा उई मा उई मा। क्या है ये? हमारे लिए हीरो तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, क्योंकि सुंदर नारी खड़ी थी कुवारी एकट मटकारी, ओ ओ ओ लाल तेरे सारी दिखती नाड़ी। अबे क्या लिखा है ये भाई, कौन सी भाषा है टोनी? किसके लिए बनाया तूने गाना? भोस्टे के युगांडर वालों के लिए बनाया है क्या यह गाना? मेरा दिमाग खराब मत कर, दिमाग खराब हो रहा है। अरे लाल तेरी साड़ी दिखती नाड़ी, अरे की करा रही क्यों? टोनी खक्कर कहाँ पर है साड़ी? कहीं पर साड़ी नहीं दिख रही, तू ऐसी जहाँ तेरा मन करता है वहाँ वर्ड घुसेड़ देता है। कहाँ है साड़ी जानना चाहती जनता, कमेंट के अंदर लिखो तुम लोग कि भाई कहाँ है साड़ी। हम लोग जानना चाहते हैं। टोनी अगर मातर चोत पना करना है गाने की नौकरी छोड़ दो। मेरा नाम है टोनी 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 टोनी, मेरे दिमाग में भरा है भूसा 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 भूसा। टोनी सर क्या सीन है, आप अपने सारे गानों के अंदर एक ही वर्ड को बार बार क्यों रिपीट करते हो? क्या क्या चक्कर क्या इसके पीछे? डू यू हैव एनी पास्ट स्टोरी और समथिंग? स्टोरी तो है ब्रो है ब्रो है ब्रो है ब्रो है ब्रो, जब मैं बचपन में था ब्रो था ब्रो था ब्रो था ब्रो, मेरे टीचर ने बोला पोएम याद करके आ, याद करके आ, याद करके याद। सर नॉर्मल तरीके से बोल दीजिए ना, नॉर्मल तरीके से बेटर रहेगा। तुम लोग का म्यूजिक का टेस्ट नहीं है इसमें, मेरा क्या फॉल्ट है? मैं तुम लोग को नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ। जब मैं अपने स्कूल के टाइम पे था तो मेरे स्कूल के अंदर मेरे मैम ने मुझसे कहा था कि तुम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार को पूरा याद करके आओ। जब मैंने बहुत कोशिश किया, मैं उस पोएम को याद ही नहीं कर पाया ब्रो। मैं पूरी रात बैठ के रिवाइज कर रहा था कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बट आई वाज नॉट एबल टू रिवाइज दैट शिट। और तब मैं अपनी नेहू दीदी के पास गया और मैंने उनसे कहा कि दीदी यार ये सीन है, ये पूरा ऐसा चल रहा है, तो मैं क्या करूँ? और तब नेहा दीदी ने कहा कि भाई तू उसे गा के रिवाइज कर। फिर मैंने किया ब्रो गा के रिवाइज, मैंने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर ऐसे गा के रिवाइज किया ब्रो। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं टीचर के पास गया, माय टीचर वाज लाइक ब्रो। फिर मुझे मालूम पड़ा कि यार मैं तो सिंगर बन सकता हूं, मैं तो अपनी नेहू दीदी की तरह गाने बना सकता हूं भयंकर वाले। और तब से गाइस मेरे अंदर टैलेंट आ चुका कि मैं अपने गाने के अंदर एक ही वर्ड को 50 बार रिपीट करता हूं। वाह सर, ये तो बहुत एपिक स्टोरी थी आपकी। I know right? और वैसे भी I make a hit song, they make a meme cause I make a hit song, flop songs के meme नहीं बनते। मगर सर आपके गानों को तो कोई भी पसंद नहीं करता, आपके गानों पे तो बहुत सारे गंदे comments आते हैं। Well bro, उनके अंदर taste नहीं है, taste नहीं है, taste नहीं है, taste नहीं है, taste नहीं है। और अगर इतना तेरे में
दम है तो बहन का लोड़े मदरचोद मिल मेरे से बहनचोद मर्डर कर दूंगा तेरा बहन का लोड़े। और भी बहुत सारी बातें करेंगे इस वायद गाने के बारे में, मगर उससे पहले मैं तुम लोग को एक बहुत सही बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सर के बारे में। आज का वीडियो स्पॉन्सर किया वनएक्स बेट ने, और वनएक्स बेट की ऐप और वेबसाइट के ऊपर आपको 24/7 लाइव स्पोर्ट्स अपडेट देखने को मिलेंगे। ऑन गोइंग मैचेस जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल और कई सारे टूर्नामेंट्स आप अर्निंग भी कर सकते हो, और इसमें जीते हुए पैसे को बहुत ही आसानी से गूगल पे, फोन पे या बैंक ट्रांसफर के थ्रू विड्रॉ कर सकते हो। वनएक्स बेट के ऊपर आप नो रिस्क भी खेल सकते हो, जिसमें आपके विड्रॉल के ऊपर आपको रिफंड भी मिलेगा। कमिंग मैचेस की लिस्ट आपको स्क्रॉल करते हुए दिख जाएगी, जिसमें आप रिस्क फ्री भी खेल सकते हो। तो जाकर रजिस्टर करो, डिपॉजिट करो, बहुत सारे पैसे कमाओ। और हाँ, मेरा प्रोमो कोड यूज करना मत भूलना। हर दिन आईफोन प्रो मैक्स जीतने के वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगी, जाकर चेक करो और मजे लो। 120 बार रिपीट किया गया यार इसमें ओइमा 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 120 बार। और एक बात मेरे को समझ में नहीं आई, ये नेहा कक्कर और ये टोनी कक्कर दोनों भाई बहन है ना, तो फिर इस लिरिक्स का सेंस कैसे बनता है भाई? मतलब गाने के अंदर भी मैंने लिरिक्स देखी, नेहा कक्कर बोल रही राजा तेरे महल के पीछे पीछे, हाजी तेरे बगीचे के नीचे नीचे, और फिर टोनी कक्कर बोल रहा है रानी मेरे महल के पीछे पीछे, हाजी मेरे बगीचे के नीचे नीचे। भाई भाई क्या चल रहा है, ये स्वीट होम अलबामा। अरे नेहा कक्कर ने ड्रेस कैसा पहन के रखा यार, ये ड्रेस काफी अजीब लग रहा है मुझे, तुम्हारा पता नहीं मेरे को तो काफी ऐसा लाइक या कांटा लगा सॉन्ग के पीछे भी ब्रो एक हिस्ट्री है ब्रो। कांटा लगा सॉन्ग के पीछे मेरे गुरु है ब्रो, जिसका नाम है ढिंचक पूजा। तो उनसे मिलने के लिए ना मैं ऐसे ना नंगे पैर चला करता था जंगलों के अंदर, तो मैं अपने से गुरु से मिलने के लिए जा रहा था, कॉज आई वांटेड टू मेक अ न्यू सॉन्ग, यू नो लाइक आई मेक हिट सॉन्ग्स ब्रो। सो आई थॉट कि जाके मैं ना आशीर्वाद ले लेता हूं अपनी गुरु का, तो मैं इसलिए जंगल से जा रहा था ब्रो। गेस व्हाट, मुझे रास्ते में कांटा लग गया ब्रो, और जैसे वो कांटा लगा मैंने बोला कि ब्रो आई कैन राइट अ सॉन्ग ऑन दिस, और तब मैंने बना दिया कांटा लगा। अच्छा वो सब तो ठीक है सर, मेरी उइमा 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 ये क्यों घुसेड़ा आपने? उइमा का सीन तो ऐसा है कि जब वो कांटा लगा तो मेरे मुंह से कुछ तो साउंड आएगा ना, तो मैंने उइमा बोला, एंड आई वाज लाइक कि व्हाई कांट आई लाइक कांटा लगा उइमा 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 उइमा। अरे भाई, और मेरा सवाल है हनी सिंह से यार कि क्यों क्यों कर रहे हो ये सब कुछ, क्या हो गया है आपको भाई? 2008 के अंदर आप है ना ब्लूटूथ वाले फोनों को ना ब्लास्ट कर दिया करते थे, और अभी एक कुरकुरे फैमिली के साथ मिलके ये गाने, ये भगवान। मेरे हिसाब से हनी सिंह का जो पिछला बढ़िया सॉन्ग आया था वो था जोरावर एल्बम के अंदर। ये जोरावर एल्बम जो आया था 5 साल पहले, इसमें कॉल ऑन दी और भी अच्छे अच्छे गाने थे इस वाले एल्बम के अंदर। उसके बाद जो अभी सारे गाने आ रहे सबके सब बहुत ही अजीब गाने, और इसके बाद सैया जी सॉन्ग, ये तो भाई इतना घटिया सॉन्ग, इसमें तो जब भी ये पापी पापी ये पापी पापी आता है भाई, मेरा मन करता है मैं किसी के मुंह पे घूसा मार दूं। दिमाग खराब हो रहा है। हनी सिंह भाई अगर मेरी तरफ से अगर अपने पुराने सॉन्ग भी वापस रीअपलोड कर दे तो उन गानों को लोग इतना पसंद करेंगे जितना कि इन 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 सॉन्ग्स को भाई। ये टोनी कक्कर ऐसे लोगों के साथ गाना बनाने से अच्छा कि वे पुराने सॉन्ग्स ही अपलोड कर दो। बस यार आज के लिए इतना ही, होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। मुझे तो गाना किसी भी तरीके से पसंद नहीं आया, बट तुम्हें गाना कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट्स आर ऑल योर्स, मुझे ना अच्छे कमेंट चाहिए टोनी कक्कर के ऊपर, मजाक बनाओ सब कमेंट के अंदर, मैं सब कमेंट्स पढ़ूंगा और लव भी करूंगा जो अच्छे कमेंट होंगे। इंस्टाग्राम पे आ जाना भाई @commentsraj, वहां पर भी बहुत सारी बातें करेंगे। और अगला वीडियो आ रहा है, देखो मैं बताता हूं लोग को, मैं ना कोई प्रॉमिस नहीं करूंगा, कॉज मैं प्रॉमिस तोड़ने में बहुत मास्टर हूं, बट मैं तुम्हें तीन टॉपिक बोल देता हूं, खतरों खिलाड़ी, नागिन या कुछ कुछ होता है मूवी, इन तीनों में से पक्का एक टॉपिक के ऊपर वीडियो आ जाएगी, गारंटी दे रहा हूं मैं कसम से, लिख के पक्का आएगी। ये तो ये टोनी का गाना पता नहीं कहां से आ गया, इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है, बट पक्का। चलो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्कार और सुनिए।